चलो हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में हम लोगों ने क्या शुरू किया है, कक्षा 9वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीख लिया है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या पर संक्रियाएं, जिसमें जोड़ घटाओ गुना सीख लिया। गुना में एक अंक का दो अंक का हम लोग ने सीख लिया था, एक अंक और दो अंक का मैंने सीख लिया था। और मैंने आपको पिछली कक्षा में एक प्रश्न कराया था, प्रश्न क्या था एक बार फिर मैं फिर से करा देता हूँ, ध्यान दो कि मान लीजिए कि मेरे पास तीन फूलों की क्यारियां है, एक क्यारिया ये हो गई, दूसरी क्यारिया ये हो गई और तीसरी क्या, चलो मान लो हमारे पास पांच क्यारी है, क्या मान लेते हैं हम लोग हमारे पास पांच फूलों की क्यारी है, चौथी क्यारिया हो गई और ये हो गई हमारी पांचवी क्यारी, पांच फूलों की क्यारी हो गई मान लेते हैं, ठीक है। और प्रत्येक क्यारी में, चलो मान लेते हैं प्रत्येक क्यारी में, इस क्यारी में भी सात फूल, इसमें भी सात फूल, इसमें भी सात फूल और इसमें भी सात फूल, मतलब प्रत्येक क्यारी, पांचों क्यारी में कितने फूल है, सात फूल। तो आप बताओ कुल कितने फूल होंगे, आप बताओ कुल कितने फूल होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या तरीका मैंने बताया था कि कितने क्यारी में कुल क्यारी कितने हैं, पांच है और फूलों की संख्या कितनी है, सात है। ये हो गई पांच क्यारियां हो गई, चलो यहाँ लिख देते हैं पांच क्यारियां हो गई और यहाँ आप लिख दे सात, सात क्या हो गई, सात हमारे फूल हो गए। यानी कुल कितने फूल हो जाएंगे, कुल कितने फूल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 35 फूल हो जाएंगे। ये समझ में आ गया। अब देखो, अब यही प्रश्न में अगर मैं बोलू कि नहीं, मेरे पास जो क्यारियों की संख्या है वो 50 है, कितनी क्यारियां हैं, 50 है और प्रत्येक क्यारिया में सात फूल है, तो बताओ कुल फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि मेरे पास जो क्यारियों की संख्या है वो 50 है, मेरे पास क्यारियों की संख्या कितनी है, 50 है और प्रत्येक क्यारियों में सात सात फूल है, तो कुल कितने फूल हो जाएंगे, 350, क्योंकि हम इसे जोड़ देंगे कि ये हो गई 50 हो गया आपका क्यारिया और सात हो गया आपका फूल, 50 हो गई क्यारिया और सात हो गया आपका फूल, है ना। इस प्रकार कुल कितने फूल हो गए, 350 फूल। ये समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न को पहले आपको ध्यान से पढ़नी है और इसका उत्तर कहाँ करनी है, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है इसका उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो पहले आप इसको ध्यान से पढ़ो फिर इसका उत्तर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर, ठीक है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, चलो मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के हिंट बताता हूँ, ध्यान से देखो। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हो, तो किताबों की संख्या कितनी है। मान लो ऐसे कितने बच्चे हैं टोटल, इस तरह मान लो आपके पास टोटल बच्चों की संख्या है आपके पास 324, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है आपको, मान लो ऐसे 324। माइक ऑफ कर लीजिए, राजेंद्र नाम के बच्चे जनक बाबू आप माइक कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। कितना हो गया, 324 आपको डाउट है, राजेंद्र नाम के बच्चे जनक आपको डाउट है, डाउट है तभी आप माइक ऑन कीजिए, डाउट नहीं होता तो आप माइक ऑन मत किया करें, ठीक है। चलो कितने बच्चे हमारे पास, हमारे पास बच्चे हुए 324 और प्रत्येक के पास कितनी किताबें है, देखो पहला के पास 15 किताबें, दूसरी के पास भी 15 किताबें, इस प्रकार 324 बच्चे, हर एक के पास 15 15 किताबें, हर एक के पास 15 15 किताबें हैं, हर एक के पास कितनी कितनी किताबें हैं, 15 15 किताबें, यानी 324 बच्चे मतलब हर एक के पास कितनी कितनी किताबें हैं, 15 15 किताबें हैं। तो हमें बतानी है कि किताबों की कुल संख्या कितनी होगी, बहुत ही सरल प्रश्न। चलो बताओ सर बच्चे, वही प्रश्न जैसे हो गया, 50 की आ रही है प्रत्येक में सात सात फूल, क्या क्या गुना कर दिया, ठीक उसी प्रकार ये भी है 324 बच्चे प्रत्येक के पास 15 15 बुक, तो क्या करेंगे सिंपली गुना कर देंगे, है ना। चलो और जहां तक हम देख पा रहे हैं 24 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आराम से करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 24 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर कर दिया, लास्ट 40 सेकेंड, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब कि अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। चलो लास्ट 30 सेकेंड, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांसेस बहुत ही कम है, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि सारे के सारे बच्चों को थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन पोल सेक्शन में सभी बच्चों को उत्तर करना अनिवार्य है, ठीक है। 17 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया, क्या करना था, बहुत ही सिंपल, 324 में हमें 15 से गुना करना है ना, बहुत ही सरल है। चलो 24 बच्चों में से 17 बच्चों ने उत्तर कर दिया, चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, लास्ट
20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, चलो क्या करते हैं हम लोग, लास्ट 5 सेकेंड। और जिन बच्चों के मोबाइल में पोल सेशन नहीं आती है, तो जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ तो बच्चे पोल सेशन उत्तर कर देंगे। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो देख लो, बहुत बढ़िया। देखो क्या करते हैं, 324 में हम किससे गुना कर देंगे, 15 से, है ना। 324 में किससे गुना कर देंगे, 15 से। चलो करते हैं हम लोग, 324 गुना हो गया 15, है ना। यही ना करना है हमें, 324 में 15 से गुना करना है। चलो कर लेते हैं हम लोग आसानी से इसको। ध्यान दो, पहले करते हैं 5 से, तो पहले करते हैं 5 से, तो 5 चौका 20, हार से हो गया 2, है ना। फिर होगा 5 दुनी 10, दोबारा फिर हासिल हो गया 1, ठीक है। फिर देखो 5 15 और 1 हासिल 16, 16 20 हो गया। फिर 1 से करेंगे, तो 1 से करेंगे तो ये यहाँ पे नहीं रखते, दूसरा संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो 1 चौका 4, 1 दुनी 2, 1 3 3, चलो जोड़ दो इसको अब आसानी से। तो ये हो गया देखो 0 4 2 6, 6 2 8, 3 1 4 48 60, कितना हो गया 48 60। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। यानी कुल पुस्तकों की संख्या, कुल किताबों की संख्या कितनी है, 4860, 4860 पुस्तकें हैं, 4860 किताबें हैं। आगे समझ में आया तक, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्लू टाइप कीजिए। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्लू टाइप कीजिए। आगे समझ में ना, बहुत ही सरल है, हाँ यहां तक समझ में आ गया। चलो अब बहुत बच्चे जो है होमवर्क बना लिए, कुछ बच्चे जो है होमवर्क नहीं बनाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया था, घटाओ और 1 अंक 2 अंक का गुना दिया था, ठीक है। तो आज मैं बाकी जो 3 अंक वाला गुना है उसको भी सिखा देता हूँ, और साथ ही में हम लोग क्या करेंगे, सारा होमवर्क जो मैं आज दूंगा उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अगला पढ़ लेते हैं, जो कि है आपका 3 अंकों का गुना, जो कि आपका 3 अंकों का गुना, ठीक है। चलो तो सारे बच्चों ने पिछली कक्षा में बोला था कि उनको 3 अंकों की गुना आती है, तो चलो देख लेते हैं आपको कितनी 3 अंकों की गुना आती है। चलो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, हल करें 357 गुने 107। क्या करना है, 357 गुने 107, बताओ सर। थोड़ा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग बताओ कितना आएगा, चार क्वेश्चन बताना है। क्या करना है आपको, थोड़ा सा टाइम लेना है लेकिन उत्तर आप लोगों को सही करना है, ठीक है। चलो चार क्वेश्चन बताएंगे सर बच्चे, सारे बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे, सारे बच्चे कॉपी किताब लेकर बैठ जाएंगे। कुछ बच्चे उत्तर बहुत जल्दी, आराम से कीजिए, कैलकुलेटर की सहायता नहीं लेना आपको, कॉपी में बनाना है, ठीक है। कहाँ बनाना है आपको, कॉपी में बनाना है। चलो अब देखो, चलो कैसे करते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले हम 0 को 7 से करेंगे, पहले 0 से करें। अब देखो 0 से मल्टीप्लाई करें तो सब में क्या होगा, 0 0 ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब किससे करेंगे, 6 से करते हैं, तो चलो 6 से करेंगे, जब दूसरा पे करेंगे तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अगला संख्या पे लिखेंगे। तो जब 6 से 7 में करते हैं, चलो कर लेते हैं यहाँ पे 7 6 42, और 42 का क्या होगा, 42 का 2 यहाँ होगा और 4 क्या होगा, 4 हमारा हो जाएगा हरसिल, 42 का 2 यहाँ हो जाएगा और 4 हो जाएगा हमारा हरसिल, ठीक है। और हरसिल को हम अगला संख्या में जोड़ते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, अब क्या आपके पास 5 और 6 है, तो 6 5 30 और हरसिल कितना है 4, तो 30 और 4 34 हो गया, 34 का 4 यहाँ हो जाएगा, बच्चा हुआ 3, क्या हो जाएगा, बच्चा हुआ 3 हमारा हारसिल हो जाएगा, बच्चा हुआ 3 क्या हो जाएगा, बच्चा हुआ 3 हारसिल हो जाएगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 6 का गुना किसे करेंगे, अब 3 के साथ करेंगे, तो 3 गुने 6, तो 6 3 18 और हारसिल 3, तो 18 3 21 हो जाएगा, 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 21, है ना। चलो अब क्या करेंगे, 1 से करते हैं, तो देखो 1 से करेंगे तो ये वाला हटा देंगे, पहला दूसरा हटा देंगे, अब तीसरा पे जाएंगे, तो 1 7 7, 1 5 5, 1 3 3, अब इसको जोड़ दो, बहुत ही सरल है, जोड़ो 0 का 0 हो जाएगा, 2 का 2 हो जाएगा और 7 4 11 हासिल 1 आएगा, जो अगली संख्या में जोड़ दिया जाएगा, 5 1 6 1 7, 3 2 5, कितना हो जाएगा 57 120, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्दी सब इस पेज का स्क्रीन शॉट लो, 4x में डब्लू टाइप कर दो, 57 120, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि अधिकतर बच्चों ने उत्तर जो है सही दिया था, इसका मतलब उनको 3 अंक वाला गुना आता है, तो कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास आएगा 57 120। तो चलो
एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट सीख लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है थी? बताओ सारे बच्चे कि अगर हम 2 में 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 2 में अगर हम 0 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। चलो आप ध्यान दो कि अगर मान लो 2 अगर हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, 2 क्या हमारा पूर्ण संख्या है ना, और 0 भी क्या हमारा पूर्ण संख्या है, तो हमें क्या मिल रहा है? देखो हमें पूर्ण संख्या मिल रहा है, क्योंकि अब 0 क्या होता है, 0 भी हमारी पूर्ण संख्या होती है। यानी यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हम पूर्ण संख्या का गुना पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या का गुना प्राकृतिक संख्या के साथ करते हैं तो हमें हमेशा प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या मिलती है। ठीक उसी प्रकार बता दो, 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी होता है 10। तो आप ध्यान दोगे कि मान लो अगर ये 5 क्या है, प्राकृतिक संख्या, मान लो क्या है 5, 5 हमारी प्राकृतिक संख्या, और 2 क्या है, 2 भी हमारी प्राकृतिक संख्या। इसका मतलब अगर प्राकृतिक संख्या का गुना प्राकृतिक संख्या के साथ करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यहाँ से हमने ये सीखा कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या गुना पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या से करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है। चलो यहाँ से हमने क्या सीखा, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हमने यहाँ से ये सीखा कि पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या का गुना अगर हम पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या के साथ करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होता है, पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। या तो समझ में गया, यानी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या या गुणा अगर पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या से करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। यहाँ तक समझ में गया सर बच्चों को? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो अभी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लो, चारों से वाइट अप कर दो, जल्द करेंगे सर बच्चे। आगे समझे तो बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था कि पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या गुना करते हो पूर्ण या प्राकृतिक संख्या से तो हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो चलो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और इस प्रश्न का उत्तर ना सारे बच्चों को पोल सेक्शन में जाकर करनी है। कहाँ करनी है सारे बच्चों को? पोल सेक्शन में जाकर करनी है। चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, टाइम लो लेकिन उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, है ना। चलो जल्दीबाजी में उत्तर नहीं करना, देखो कुछ बच्चे ऐसे जल्दीबाजी में उत्तर करते हैं, जल्दीबाजी में किसी भी बच्चा को उत्तर नहीं करना, आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। ठीक है, चलो इस उत्तर में बराबर लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान से दिखे। चलो ध्यान दो, क्या है, 5 1 3, 513 गुने 136, 513 गुने 136। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 6 बच्चों ने कर दिया। चलो 24 बच्चों में से 6 बच्चों ने उत्तर, 8 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। टाइम लो लेकिन उत्तर आपका सही आना चाहिए। ठीक है, आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोगों का सही आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1.5 मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो टाइम लो लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। ठीक है, लास्ट 1 मिनट, चौदह बच्चों। चलो 25 बच्चों में से 14, 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, 16 बच्चों ने कर दिया, और जहां तक हम देख पा रहे हैं ना अधिकतर बच्चों का उत्तर सही आ रहा है, यानी अधिकतर बच्चों को 3 अंक का गुना समझ में आ गया है ना। चलो तो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, और सभी बच्चों को पोल सेक्शन में तो उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने की चांस बहुत ही कम है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, बहुत बढ़िया बहुत भी है। तो जल्दी करेंगे, टाइम लो लेकिन आपका उत्तर आना चाहिए, आप लोग टाइम लो कोई इशू नहीं है, आप लोग टाइम लो लेकिन आप लोगों का उत्तर आने चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन कर देंगे, और जिन बच्चों को मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है बच्चे चार्ट में उत्तर कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया,
चलो देखते हैं प्रश्न को, देखो एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले हम किससे सॉल्व करेंगे, पहले हम 6 को पहले 3 से करेंगे, 1 से करेंगे, 5 से करेंगे, है ना। चलो देख लेते हैं, चलो तो पहले 3 से करेंगे तो 6 3 18, हारशील 1, 6 6 हारशील 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, 6 5 30, है ना। चलो ये हो गया पहला, ये हो गया पहला के लिए। चलो अब करते हैं दूसरा के लिए। चलो दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा 3 से, तो पहले एक बार 3 से, फिर 1 से, 3 5 से, है ना। तो देखो 3 3 9, 3 1 3, 3 5 15, ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 1 के साथ, अब आते हैं हम लोग 1 के साथ। चलो देख लेते हैं हम यहाँ पे एक बार। चलो अब 1 से करेंगे, देखो ये पहला पोजीशन नहीं होगा, दूसरा पोजीशन नहीं होगा, तीसरा से स्टार्ट करेंगे, तो 1 3 3, 1 1 1, 1 5 5। अब इसको जोड़ दो, जोड़ो 8 का 8, 9 7 16, हारशील 1 हो गया, 3 3 6 1 7, 1 5 6 3 9, 5 1 6, तो कौन सा उत्तर सही है, 69,768, 69,768, कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान दो बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन। आपको ध्यान देना था, देखो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन कैसे गलत था, पहला दूसरा तीसरा में देखो पहले 69,000 था, लेकिन बाद में थोड़ा चेंज किया गया, 86 है, 78 है, तो ध्यान देना कितना आएगा, 768। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू आई टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, देखो इसी से संबंधित एक प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न जो है आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और ये प्रश्न जो है ना आज की क्लास का सबसे आसान प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है, और इस प्रश्न के लिए आपके पास मात्र 1 मिनट का वक्त है, ठीक है। ध्यान से उत्तर कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, देखो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। 31 गुने 1000 है, ठीक है, ध्यान से उत्तर कीजिएगा। ये मैंने आपको शुरू के क्लास में भी इसका ट्रिक बताया था, किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे उसका उत्तर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 31 गुने 1000, 25 बच्चों में से 8 बच्चों ने उत्तर कर दिया है, ध्यान से उत्तर करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना किसी बच्चे को। चलो धीरज नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है बाबू, धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा जान के आपको कोई डाउट है, डाउट है तो आप अपना आइकन को पूछ लो, नहीं डाउट है तो आपको हैंड रेज नहीं करना है, ठीक है। चलो चैट बॉक्स में उत्तर भी नहीं करना है, कहाँ उत्तर करना है, पोल से उत्तर करना है, ठीक है। चलो 25 बच्चों में से 15 बच्चों ने उत्तर किया है, जिसमें से जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल है। मैंने आपको जब मैं आपको गुणा सिखा रहा था, गुणन की प्रक्रिया सिखा रहा था बहरा, उसमें मैंने इंपोर्टेंट रूल सिखाया था, इंपोर्टेंट गुणन विधि सिखाया था, इंपोर्टेंट मल्टीप्लीकेशन सिखाया था, जिसमें शून्य से संबंधित गुणा था, है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड, 25 बच्चों में से 18 बच्चों ने कर दी, चलो बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। देखो आज आप लोग ग्रुप में यह भी दिखा हुआ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा, मतलब तीनों के तीनों पिछले तीनों के तीनों क्लास किए हुए हैं, तो सभी बच्चों को सारी क्लासेस करनी है, तो आप भी उस लिस्ट में आ सकते हो, ठीक है। जो कि आज आप लोग ग्रुप में देखे होंगे बहुत बच्चों का नाम दिखा हुआ, तो सभी बच्चों को क्लास ज्वाइन करनी है, ताकि आप लोग क्लास ज्वाइन करिए, और क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ आपको क्या करना है, क्लास ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोगों को पोल सेक्शन में भी उत्तर करनी है, ठीक है। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न को। देखो बहुत ही सरल, देखो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था, कौन सा ट्रिक था, कि जितनी जीरो होती है, जितनी जीरो होती है उतना जीरो पहले लिख लेते हैं, देखो कितना जीरो है, 1 2 3, 3 जीरो हम लिख लिए, बचा हुआ हो गया 31 और एक हो गया एक, एक हो गया 31 और दूसरा हो गया एक, तो अब 31 को 1 से गुणा करते हैं, तो 31 से कम 31,
क्या मिलेगा 31,000। देखो पहला ऑप्शन इसलिए नहीं हो, देखो पहला ऑप्शन में दो एक आ गया है, दूसरा ऑप्शन तो ऐसे गलत है, और तीसरा ऑप्शन देखो दो ही जीरो है, हमें कितनी जीरो चाहिए, तीन जीरो चाहिए, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण प्राकृतिक संख्या पे संक्रियाएं में अगला संक्रिया है जिसका नाम है भाग डिवीजन, जिसका नाम है भाग डिवीजन। जिन जिन बच्चों को भाग आती है, जिन जिन बच्चों को भाग आती है वो बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिनको थोड़ा बहुत भी डाउट है बच्चे एन टाइप करेंगे। सारे बच्चे वाई टाइप करेंगे, मैंने सारे बच्चों को आती है, चलो हम देख लेते हैं कि कितने बच्चों को आती है। ठीक है अभी पता चल जाएगा कितने बच्चों को आती है, चलो ध्यान दो। देखो तो भाग पढ़ने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग करने पे भागफल एक प्राप्त होता है। जैसे कि देखो पांच का भाग करेंगे, पांच से हमें क्या प्राप्त होगा, एक प्राप्त होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार किसी संख्या ए को एक के साथ भाग करने पे भागफल ए प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो पांच में एक से भाग करेंगे कितना मिलेगा, पांच मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जीरो में किसी संख्या ए से भाग करने पे हमें जीरो प्राप्त होता है, यानी जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग दें हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जीरो प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार जीरो किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित होता है, वो परिभाषित नहीं होता है। यानी दो प्रश्न है, क्या प्रश्न है, चलो दो चीजें हैं, चलो मैं यहाँ पे एक ही बात पूछता हूँ। पहला कि अगर हम लोग एक ही संख्या को उसी संख्या, जैसे मान लो पांच को उसी संख्या से भाग देने हमें क्या मिला, हमें वन मिला, पहला। दूसरा कि अगर हम लोग पांच में एक से भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें पांच मिलेगा। और तीसरा जीरो में हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं हमें जीरो प्राप्त होता है। और चौथा कि अगर किसी संख्या में हम जीरो से भाग दे तो ये डिफाइन नहीं होता है, यानी किसी भी संख्या के अंत नीचे हर में अगर जीरो आए वो परिभाषित नहीं होता, ये होता है नहीं परिभाषित, लिख देता है यहाँ पे परिभाषित, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं होता, परिभाषित परिभाषित नहीं होता मतलब नहीं। हम बताते हैं परिभाषित नहीं होता मतलब डिफाइन नहीं होता, डिफाइन करने मतलब कि ये भाग हम लोग अभी क्लियर नहीं कर सकते। ठीक है जब हम लोग 11 क्लास 12 क्लास में जाएंगे तब हम लोग उसको सीखेंगे। अभी के लिए आपको क्या मानना है कि किसी भी संख्या में मान लो हम जीरो से भाग दे रहे हैं ये हम भाग नहीं कर सकते। अभी के लिए आपको क्या करना है कि मान लेना है कि इसमें हम भाग नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉट डिफाइन होता है, ये परिभाषित नहीं होता है। ठीक है क्या मानना है आपको कि किसी भी संख्या में अगर हम जीरो से भाग दें वो परिभाषित नहीं होता है, लेकिन इसका उल्टा अगर हम लोग जीरो में किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो हमेशा जीरो आता है। तो यही यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात था कि किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो नहीं परिभाषित होता है, मतलब तो वो भाग हम लोग नहीं दे सकते। ठीक है और इसके बारे में हम लोग अच्छे से कब सीखेंगे, जब हम 11 12 में जाएंगे। अभी के लिए आपको क्या मान के जानना है कि किसी संख्या में अगर हम जीरो से भाग देते हैं तो परिभाषित नहीं होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है समझ में आया तक, चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। आपको यहां तक समझ में आ गया तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। ठीक है चलो अब यहाँ देख भी सकते हो, देखो पांच में जीरो से भाग देते क्या है, नॉट डिफाइन, परिभाषित नहीं है, है ना। लेकिन अगर वही जीरो में पांच से भाग क्या मिला, जीरो मिल गया, है ना। चलो यहाँ तक समझ में गया। देखो अब आते हैं बात कि आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम लोग भाग को किस किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या आएगा आपके मन में कि हम लोग भाग को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है सबसे पहला प्रश्न आपके मन में यही आना चाहिए कि हम लोग भाग को किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो चलो मैं बताता हूँ भाग को किस किस प्रकार से आप लिख सकते हो, ध्यान दो। देखो मान लो अगर मैं बोलू 12 भागे 4 लिखा है तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा, इसको बट्टा के रूप में भी लिख सकते हैं, 12 बट्टा 4। पहला तरीका ये हो गया 12 भागे 4, दूसरा तरीका क्या हो गया 12 बट्टा 4, और तीसरा तरीका इससे क्या हो गया कि किस में भाग देना है, 12 में भाग देना है, किससे, 4 से भाग देना है।
यानी भाग को लिखने की तरीके कितने हैं, भाग को रिप्रेजेंट करने के कुल तरीके कितने हैं, तीन तरीके हैं। कुल कितने तरीके हैं, कुल हमारे पास तीन तरीके हैं। पहला हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और तीसरा हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो बताओ अगर मैं इसको जनरल लिखूं, जैसे बी भागे ए करो, बी में किससे भाग देना है, हमें ए से भाग देना है, बी में किससे भाग देना है, ए से भाग देना है। इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि बी में बी बटा ए, और दूसरा किस प्रकार से लिख सकता हूँ कि बी में किससे भाग देना है, ए से भाग करनी है ना, ए से भाग करनी है। आगे समझ में आ तक, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया कि हम लोग भाग को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो तीन तरीका है। पहला सिंपली डिवीजन के रूप में, दूसरा बटक के रूप में, तीसरा बटक नहीं भाग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है कि भाग को हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप इस पेज से स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गया सर बच्चों को, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो आप किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आप चार बॉक्स में डबल आई टाइप कर दीजिए। आगे समझ में। चलो अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे, जो कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि सिद्धांत धनिया नाम से जो बच्चा जानते। बाबू आपको कोई डाउट है, अगर आपको डाउट नहीं तो हैंड रेज मत किया कीजिए, ठीक है, क्लास पर ध्यान दीजिए। देखो तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि भाग को देखो हम किस किस प्रकार से लिख सकते हैं, बी भागे ए, बी बटा ए, और बी ए में किससे भाग देना है, बी में किससे भाग देना है, ए से। यानी कुल हम भाग को कितनी प्रकार से लिख सकते हैं, तीन प्रकार से लिख सकते हैं। अगर यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल अटैप कर दीजिए। आई समझ में, मतलब भाग को हम लोग कुल तीन प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात की, चलो हम लोग 575 में 8 से भाग देते हैं, चलो हम लोग 575 में 8 से भाग देते हैं, चलो भाग देते हैं। सबसे पहले 8 से भाग देंगे, चलो देख लेते हैं। देखो ठीक है, ये होगा 8 × 7 = 56, कितना मिलेगा हमें, 8 × 7 = 56, तो यहाँ मिल गया 57 में से 56 गया, एक मिल गया यहाँ पे शेष। फिर उतारे यहाँ 5, 8 = 8, कितना है 8 × 8, फिर देते हैं यहाँ पे मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 7। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आपको तीन चीजें हैं, ठीक है, तीन चीजें जो कि आपको याद रखना है। पहला, चलो मैं बताता हूं, पहला कि जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। बताओ यहाँ पे किससे हम भाग दे रहे हैं, यहाँ पे हम किससे भाग दे रहे हैं, जिससे भाग देते हैं, चलिए आप लिख देते हैं, किससे भाग दे रहे हैं, आठ से, किससे भाग दे रहे हैं, आठ से। तो आठ हमारा क्या होगा, आठ हमारा कहलाएगा भाजक। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो यहाँ पे हो गया भाजक, क्या हो गया आठ, और भाजक क्या होता है, जिससे भाग देते हैं, जिससे, मैंने लिख देता हूं, चलो जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, उसे कहते हैं भाजक। इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवाइजर, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिवाइजर। आगे समझ में। चलो अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये कि भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, भाज्य को इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड। बताइए सर बच्चे, भाज्य जिस, हम बहुत बढ़िया, जिसमें भाग देते हैं, देखो जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, और भाज्य जिसमें, जिसमें यहाँ किसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग देते हैं, बहुत बढ़िया, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य। तो किसमें भाग दे रहे हैं, 575 में, तो यहाँ 575 क्या हो गया, यहाँ 575 हो गया भाज्य, क्या हो गया यहाँ 575 भाज्य। ठीक है, चलो अब आते हैं बात कि ये भागफल, अब आते हैं बात क्या, भागफल। बताओ सर बच्चे भागफल कितना होगा, भागफल जब भाग देने पे हमें जो भी भागफल मिलता है उसे क्या कहते हैं, कितना होगा भागफल, 71 है ना, यानी ये हो गया हमारा भागफल। ठीक है, चलो अब बताओ सारे बच्चे यहाँ पे हमारा शेषफल कितना है, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे हमारा शेषफल कितना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे शेषफल कितना है, शेषफल है 7, मतलब अगर पूर्णतः विभाजित होगा तो शेषफल होगा 0, लेकिन यहाँ पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, शेषफल हो गया हमारा। अगर सारे बच्चों को देखो इसका इंग्लिश भी लिख देते, चलो यहाँ इंग्लिश लिख देते हैं, चलो इसके नीचे पहले इंग्लिश लिख देते हैं ताकि आपको इंग्लिश में भी याद रहे। ठीक है, चलो पहले भागफल को इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, भागफल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोसेंट, और शेषफल को इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, शेषफल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, चलो इसके नीचे लिख देते हैं हम रिमाइंडर। अगर सारे बच्चों को भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल समझ में आ गया कि क्या होता है, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करें, और किसी को भी डाउट है वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, बहुत ही सरल है, जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य,
जो भाज्य में भाग देने पे मिलता है उसे कहते हैं भागफल, और जितना शेष बचता है उसे बोल दिया शेषफल। समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो अब देखो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, तो मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, और वो कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा, वो कंसेप्ट है कि जो भाज्य होता है, वो बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। क्या होता है? फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाज्य जो होता है वो बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। चलो इसको इंग्लिश में लिख देते हैं, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड। भाज्य को इंग्लिश क्या बोलते हैं? डिविडेंड। यानी डिविडेंड जो होता है वो बराबर होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना? ये होता है। चलो अब बताओ सारे बच्चे, देख लेते हैं ये होता है या नहीं होता है। चलो तो हमें देखो यहाँ पे क्या पता चला, हमें यहाँ पे पता चला कि भाज्य कितना है, यहाँ भाज्य कितना है, भाज्य है 575। हम क्या करते हैं, यहाँ भाज्य के पास लिख देते हैं 575। हमें क्या पता चला, यहाँ भाज्य है 575, तो ये बराबर होना चाहिए भाजक। चलो भाजक है यहाँ पे 8, भागफल कितना है, भागफल 71 जोड़ शेषफल कितना है 7, है ना? अब देखो अगर दोनों तरफ दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर, LHS बराबर RHS अगर हो जाता है, तो हम मानेंगे कि जो मैंने ये लिख रखा है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल होता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर यहाँ पे बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, हो जाता है, LHS बराबर RHS हो जाता है, तो हम मानेंगे कि हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है, यानी हमने जो लिख रखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। चलो देख लेते हैं, चलो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, है ना? चलो तभी हम लोगों ने गुना भी सीख लिया है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, चलो बताओ 575 ही हो जाएगा इक्वल टू, इसको चलो गुना करते हैं 71 में 8 से, तो 8 एकम 8 और 8 सते 56, 8 एकम 8 और 8 सते 56, तो ये हो गया 568। अब यहाँ को देखो जोड़ 7, देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 575 बराबर 575। इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिला, हमें यहाँ से मिला कि जो बायां पक्ष है वो किसके बराबर है, दायां पक्ष के, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड की, यानी जो LHS बराबर RHS है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं कि जो, यानी हमने जो लिख रखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ये सही लिख रखा है। तो सारे के सारे बच्चों को ना इसको याद रखना है, ये हमेशा याद रखना है कि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल। अगर आपको ये तरीका समझ में आ गया, अगर आपको ये याद भी हो गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कीजिए। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत भी डाउट है आप माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा बहुत भी डाउट है आप माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यान दो। देखो कभी भी जो भाज्य होती है जिसमें हम लोग भाग देते हैं, वो जो हो बराबर होती है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल के बराबर होती है, है ना? यहां तक समझ में आ गया? चलो तो वही मैंने बताया, देखो ये 8 होता है हमारा भाजक, जिसमें हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जो हमारा निकलता है उसको बोलते हैं भागफल, और जितना शेष आता है उसे बोलते हैं शेषफल। और इसको मैंने आपको याद भी करा दिया कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल होता है। अगर आपको ये सारी चीजें याद हो गई, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कर दो। आपको ये सारी चीजें याद होगी, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, आगे ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, तो देखो आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, जल्द से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोल रहा है कि हल करें 24 36 भागे 12। देखो इसको दो तीन प्रकार से लिख सकते हैं, पहला ये प्रकार हो गया, दूसरा ये होगा 24 36 बट्टा 12, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा कि 24 36 में किससे भाग देना है, हमें 12 से भाग करना है। यानी चलो यहाँ लिख लेते हैं 24 36 में किससे भाग देना है, हमें 12 से भाग करनी है। चलो जल्दी करो,
24 सचिन किसे भाग देते, चलो भाग करेंगे आराम से, चलो भाग करके देखो एक एक करके भाग देते, चलो भाग 12 से देखो, तो पहले 12 से भाग देते हैं, तो 12 का पहाड़ा पड़ते हैं, 12 एकम 12, 12 दुनी 24, कितना बार में जाएगा, दो बार में, 12 दुनी हो गया 24, कट जाएगा, चलो भाग गया 3, देखो 12 से क्या 3 कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे 12 0 0, ठीक है, तो यहाँ हो गया 3 शेष, फिर देखो 6 को उतारेंगे, 6 को यहाँ से कॉपी करेंगे, कितना आएगा 12 के पहाड़ा पड़ेंगे, चलो कितना बार में आएगा 12 36, तो कट गया। अब बताओ यहाँ पे सारे बच्चे कि भाजक कितना है, सारे बच्चे बताएंगे यहाँ पे भाजक कितना है, सारे बच्चे बताएंगे भाजक कितना है, भाजक है, भाजक कितना है, भाजक 12, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कितना है भाजक 12, और भाज्य कितना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे भाज्य कितना है, जिसमें भाग देते हैं, तो किसमें भाग दे रहे हैं 24 36 में, तो हमारा भाज्य कितना है, भाज्य है 24 36, भागफल कितना है, भागफल कितना है, भागफल आया हमारा 203, भागफल कितना है 203, ये हमारा हो गया भागफल, और शेषफल कितना है सर बच्चे बताएंगे यहाँ पे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे शेषफल कितना आएगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा शून्य, शेषफल कितना आएगा शून्य, जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए, जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करना, आगे समझ में, चलो ले लिया अपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया है ना, चलो तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, तो सारे बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है, ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करना है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है हमें कि 60 भागे 4, प्रश्न क्या बोल रहा है 60 भागे 4, इसको 2-3 प्रकार से लिख सकते हैं, पहला ये प्रकार हो गया, दूसरा 60/4, और तीसरा क्या लिख सकते हैं 60 में किससे भाग देना है 4 से, चलो बताओ सर बच्चे आपके पास 1 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करना है, आपको सरलता पूर्वक सॉल्व करना है, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए, उत्तर कहाँ करना है सारे बच्चों को, पोल से समझाकर करना है, ठीक है, 25 बच्चों में से 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया, जल्दीबाजी मत करो, अब जितना जल्दीबाजी करोगे उतना गलती होने के चांसेस है, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, क्या बता रखा है कि जो भी प्रश्न सॉल्व करना है पहले आप उसको कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लो कि कौन सा ऑप्शन सही है, फिर इसका उत्तर कहाँ करो, पोल सेक्शन में जाकर करो, ठीक है, इस बात पर ध्यान करो आप लोग, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे, ठीक है, चलो 25 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे, अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो तो आपके अटेंडेंस लगने के चांसेस बहुत ही कम है, जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है, चलो 5 4 3 2 1, है ना, चलो देखते हैं, चलो बहुत ही सरल प्रश्न, देखो क्या करना है, 60 में किससे भाग देना है 4 से भाग देना है, चलो 60 में किससे भाग देना है 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, 6 में से 4 गया 2, फिर 0, 4 से कटाते हैं 4 5 20, कितना बार में गया 15 बार में, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी देना सही है, जल्दी से आप इस पेज पर हाँ सुनिए, बताओ क्या डाउट है आपको, सुनिए नाम से जो भी बच्चा जान के, क्या डाउट है आपको, डाउट है पूछ लो, डाउट कोई डाउट नहीं है, किसी बच्चे कुछ भी डाउट सर हमें समझ नहीं आया बिल्कुल, चलो ठीक है मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको डाउट होता है पूछ लिया करो, ठीक है चलो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान दो, चलो हमें किस में भाग देना है, हमें भाग देना है 60 में किस से, 4 से भाग देना, किससे भाग देना है 4 से, तो देखो एक एक डिजिट में पहले भाग देते हैं, पहले हम 4 से किस में भाग देंगे 6 में भाग देंगे, कैसे करते हैं ध्यान दो, देखो 4 का पहाड़ा पड़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और अब ध्यान दोगे देखो 4 और 6, तो देखो 4 एकम 4 आ रहा है और 4 दूनी क्या आ रहा है 8 आ रहा है, जो कि 6 से ज्यादा है, जो कि 6 से ज्यादा है, कट जाए तो ठीक है, नहीं कट नहीं रहा ना, तो उससे कम वाला लेते हैं, तो कम वाला कौन है, एक बार में जाएगा, यानी 4 एकम 4, ठीक है, अब बताओ 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा,
है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर वाला से जीरो लिख नीचे उतार देते हैं, ऊपर वाला से नीचे जीरो उतार देते हैं, जीरो हो गया। अब देखो अब पढ़ते हैं फिर से चार का पारा और देखते हैं कि 20 आता है कि नहीं चार के पारा में। देखो चार तिहाई 12, चार चौका 16, चार पच्चे 20, कितना बार मार रहा है 5 बार में, कितना बार मार रहा है 20 5 बार में। तो देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे चार पच्चे 20 कट जा रहा है यहाँ पे, देखो आराम से कट जा रहा है ना, यानी जितना बार में कटता है उसी को हमें बताना था कितना बार में कटा, 15 बार में, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन बी जो है मेरा सही हो गया है ना। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, चैट बॉक्स में व्हाइट कर दो, आगे ना समझ में। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और ये भी प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है, तो सारे बच्चों को ध्यान से थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए, ठीक है। चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा पोल सेशन लेट से लंच करूंगा, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं बिना सॉल्व किए उत्तर पोल सेशन में कर देते हैं, पहले आप इसको कॉपी में सॉल्व करो फिर इसका उत्तर करेंगे हम लोग पोल सेशन में, ठीक है। जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे। चलो 625 भागे 25 बोला गया, क्या बोला गया है 625 भागे 25, मतलब कि देखो किस में भाग देना है, 625 में भाग देना है हमें किससे, 25 से। चलो जल्दी करेंगे आराम से, टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, ठीक है। 25 बच्चों में से 6 बच्चों ने उत्तर कर दिया, आप लोग टाइम लो लेकिन सभी बच्चों को उत्तर खराब हो गया, वोट नहीं किया जा रहा। ने ध्यान दो, वोट हो रहा होगा, एक बार आप फिर से जाकर देखो, फिर से आप रिपीट होकर जाकर देखो आपको दिखेगा, धीरज राजपूत नाम से जो बच्चा जाना आप जाओ फिर से पोल सेशन आपको दिखेगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं दिखता है तो क्या करो आप एक बार क्लास को लीव करो फिर से ज्वाइन करो फिर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। चलो 24 बच्चों में से 15 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट, आप लोग टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, टाइम लो लेकिन सारे बच्चे उत्तर सही करेंगे, ठीक है। चलो 18 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, 19 बच्चों ने कर दिया, मतलब सारे बच्चों को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही आसान प्रश्न भी था, बहुत ही आसान प्रश्न था, ठीक है। चलो मैं हिंट के लिए अब क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, क्या 25 के पारा लिख देता हूँ, ध्यान दो। तो 25 से कम 25, 25 दुनी होता है 50, 25 तिया होता है 75, 25 चौका होता है 100, और 25 पचे होता है 125, और 25 छक्के होता है 150, इतना से काम चल जाएगा हमारा, है ना। चलो ध्यान से देखेंगे, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, ठीक है। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकंड, मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न को तो कहाँ करेंगे, पोल सेशन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, चलो देख लेते हैं हम लोग। देखो तो पहले देखो यहाँ पे है 25 और यहाँ पे है 62, तो हमें ये देखना था कि 25 के पहाड़ा पढ़ते समय कहीं 62 आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उससे कम देखना था। तो 25 से कम 25, 25 दिन 50, 25 या 75, 75 62 से ज्यादा यानी 3 पे नहीं जाएंगे, किस पे जाएंगे 2 पे, तो 25 दुनी कितना होता है 50 होता है, घटा दो चलो 62 में से 50 घटाएं क्या मिलेगा 12 मिलेगा, कितना मिलेगा 12, अब यहाँ हो गया 5। अब फिर 25 का पहाड़ा पढ़ते हैं देखते हैं कि 125 आ रहा है कि नहीं, देखो 25 पच्चीस कितना होता है 125 होता है, यानी 25 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल हाइट कीजिए, अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल हाइट कर दीजिए। चलो बहुत बढ़िया, आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है यहां तक आ गया। चलो अब सारे बच्चे क्या करेंगे अपना होमवर्क जो है नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे क्या करेंगे अपना होमवर्क नोट डाउन करेंगे, और उनकी आज की कक्षा का होमवर्क है प्रश्नवाली 6.1, इस प्रश्नवाली का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डब्ल्यू टाइप कीजिए। आज की क्लास का होमवर्क है प्रश्नवाली 6.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि अब 3 अंक वाला मैं करा दिया था तो इसका होमवर्क हो गया, और इसके पहले मैंने होमवर्क दिया था आपको 5.1, 5.2, 6.1,
जिसमें 6.1 में मैंने दिया था प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, आज हो गया प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4। ठीक उसी प्रकार प्रश्न वाली 6.2, यानी कुल मिला के होमवर्क आपका कौन कौन सा हो गया, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2। ये होमवर्क हम लोग अगली कक्षा में जरूर डिस्कस करेंगे, तो सारे के सारे बच्चे बनाकर लाएंगे। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल अटैक कर दीजिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहां तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा, बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलो अगर आपको यहां तक